दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनवायरनमेंट की सीरीज का ये छठवां वीडियो है। दोस्तों आज हम इसमें कवर करने वाले हैं पिरामिड्स को। दोस्तों पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम पिरामिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब्स क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों पिछली जो वीडियो है उनको आप जरूर देख लें। पिछली तीन वीडियो में हम पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज पिरामिड्स के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछला रिवाइज करा दूं, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार देखे थे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वहां पर बताया था कि प्राकृतिक होते हैं और मानव निर्मित होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं, एक्वेटिक्स और टेरेस्ट्रियल के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, स्थलीय और जलीय, ठीक है, एक्वेटिक्स और टेरेस्ट्रियल दोनों के बारे में मैंने बताया था कि स्थलीय में कौन कौन से आते हैं, घास के मैदान, मरुस्थल, वन, पर्वत पठार, टुंड्रा, ठीक है। जलीय में बताया था तालाब, झील, झरना, नदी, जहाँ पर पानी हो, जो नदमुख, समुद्र, तो ये सब मैंने वहाँ पर बताए थे पिछली वीडियो में। जो भी व्यक्ति हमारे जो पर्यावरण की सीरीज को कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो उन्हें सब कुछ पता होगा। उससे पहले हमने पर्यावरण एवं सतत विकास के टॉपिक को कंप्लीट किया है, पारिस्थितिकी को बताया आपको, पारिस्थितिकी तंत्र को बताया, ठीक है। तो कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछली वीडियो को आप अवश्य देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है दोस्तों। तो पिरामिड्स के बारे में हम देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों पिरामिड होता क्या है, ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड। तो पिरामिड, पिरामिड हम पढ़ते हैं, बनाते हैं चित्र और उसमें डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पिरामिड होता क्या है, तो दोस्तों जो पिरामिड का जो विचार दिया था, इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो पिरामिड नहीं है जो एक्चुअल बना हुआ मिस्र में, ठीक है। तो जो पिरामिड की मैं बात कर रहा हूं, इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसका जो विचार दिया था 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो चार्ल्स एल्टन, दोस्तों मैं बता दूं जैसे कि यहां पर इसका विचार जिसने दिया था, तो ये वाले क्वेश्चन ना अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी का जो विचार दिया था वो किसने दिया था, तो ये मैंने बताया था अर्नेस्ट हेगल ने, ठीक है, ये जो शब्द दिया था किसने दिया था, अर्नेस्ट हेगल ने। और फिर मैंने बताया था इकोसिस्टम, है ना, पारिस्थितिक तंत्र, इस शब्द का जो प्रतिपादन किया था, परिभाषित किया था, किसने किया था, तो ये किसने किया था, एजी टॉन्सले ने, ठीक है दोस्तों। तो पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। जो भी व्यक्ति हैं जो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं उन्हें सब पता होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड होता क्या है, तो दोस्तों किसी पारिस्थितिक तंत्र में यानी किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादकों, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, एवं उपभोक्ताओं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उच्च श्रेणी के जितने भी हों उपभोक्ता, ठीक है, की संख्या, संख्या मतलब नंबर, जीव भार, वेट एवं संचित ऊर्जा में परस्पर एक संबंध, ये होता है क्या, पिरामिड, ठीक है। इस संबंध को जो है एक चित्र के रूप में दिखाया जाता है और कुछ नहीं है। मतलब होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है बताइए, इकोसिस्टम जो मिलकर बनता है किससे, जैविक घटकों, अजैविक घटकों से, ठीक है, उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है वही तो इकोसिस्टम होता है हमारा, है ना। तो उनके बीच में मैंने पिछले लेक्चर में आपको फूड चेन पढ़ाई थी, है ना। तो फूड चेन में मैंने आपको बताया था उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के मैंने बताए थे, तालाब का इकोसिस्टम बताया था मैंने, है ना, घास स्थल का बताया था, वन का बताया था, खाद्य जाल के बारे में पढ़ा था। तो वही जो फूड चेन होती है उसी को हम एक चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना सा होता है हमारा पिरामिड।
पिरामिड कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ मतलब इसमें अलग नहीं है, मतलब है क्या जो हमने फूड चेन पढ़ी है उसी को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। किस आधार पे? तो हमारे तीन वेश हैं, संख्या के आधार पे, जीव भार के आधार पे और संचित ऊर्जा के आधार पे। इन तीन तरीके से हमारे पिरामिड बनते हैं और इन्हीं तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना, आपकी समझ में सब कुछ आने वाला है, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बस अंत तक आप वीडियो को प्लीज़ देखना, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं पिरामिड बना के चित्र से रिप्रेजेंट करते हैं हम आपके सामने, फिर आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जो पिरामिड के प्रकार होते हैं, तो पिरामिड के तीन प्रकार होते हैं, वही मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कितने तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो तीन तरीकों से। तो देखिए, जीव संख्या का पिरामिड होता है पहला, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं, जो जीव संख्या का जो पिरामिड बनता है वह दो तरीके का बनता है, सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है, ठीक है। और जो जीव भार का बनता है वो भी सीधा बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा दोनों, है ना, या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको ये बताने होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, अभी मैं बना के दिखाने वाला हूँ आगे, ठीक है। और लेकिन जो संचित ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है वह हमेशा सीधा बनता है, तो इसको आप याद रखना, जो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वह सीधा बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे बनता है पिरामिड, ठीक है। तो ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, सीधे भी बन सकते हैं, उल्टे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो सीधे में देखते हैं, सीधे में आते कौन कौन से हैं, तो सीधे जो बनते हैं दोस्तों वह घास स्थली, फसल स्थली, तो इनके जो पिरामिड बनते हैं वह सीधे बनते हैं। अभी पिरामिड जब बनाऊंगा और वहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से सीधे किसे कहते हैं और उल्टे किसे कहते हैं, ठीक है। तो घास स्थली और फसल स्थली जो होते हैं वह सीधे बनते हैं। इस पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है। तो हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्याओं, संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है। और वैसे भी पिरामिड क्या होता है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना, चित्र के द्वारा। तो बस, तो यहाँ हम संख्याओं के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले घास स्थली, तो मैंने अभी बताया, अभी हम सीधा पढ़ रहे हैं, देखो सीधे, तो घास स्थली और फसल स्थली दो आते हैं, तो हम एक देख लेंगे, बस एक से ही समझ में आ जाएगा। तो घास स्थली पिरामिड दोस्तों ऐसा होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, ये तो हम अपने सुविधा अनुसार बना लेते हैं, वैसे ऐसा होता है, देखिए ऐसा और ये ऐसा, ऐसा होता है पिरामिड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो घास स्थलीय देखते हैं हम पिरामिड। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि संख्या के आधार पर देख रहे हैं हमें, तो जिधर संख्या अधिक होगी, जिनकी मतलब संख्या अधिक होगी, उसे हम यहाँ चौड़े हिस्से पे लेते हैं। तो सीधे का मतलब तो यही है ना, ये सीधा है, ठीक है, ये सीधा है, तो जो संख्या अधिक होगी वो यहाँ पर आएगी। तो हम जो फूड चेन बनाते थे वो कहाँ से बनाते थे, स्टार्ट कहाँ से करते थे, कहाँ से करते थे, उत्पादक से करते थे ना, है उत्पादक, पेड़ पौधे, तो वहीं से करते थे। अब ये घास स्थली पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, घास और छोटे पौधे, क्योंकि इनकी संख्या यहाँ पर अधिक होगी। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम होगा घास स्थल का, वहाँ पर घास और छोटे पौधों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि यही हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता इनको खाने वाले क्या होते हैं, टिड्डा, खरगोश, हिरण, जो इनको खाते हैं। तो दोस्तों इन घास के और छोटे पेड़ पौधों की अपेक्षा इनकी संख्या कम होगी कि नहीं होगी, बताइए। अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो ये इनको नष्ट कर देंगे, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। इकोसिस्टम की भी एक अपनी क्या होती है, एक तंत्र होता है, सेटिंग्स पहले से ही ऐसे बनी होती है, ठीक है।
तो ऐसा अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो इनको नष्ट कर देंगे। अभी आगे देखिए, चलिए तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को कौन खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं हमारे, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएंगे, जो टिड्डा खरगोश हिरण को खाते हैं, तो जंगली कुत्ते हैं, है ना, भेड़िया है, तो ये सब, जो चीता है, तो ये सब इनको खाते हैं। तो बताइए, तो इनसे इनकी संख्या कम होगी या नहीं होगी, ये बताइए बताइए। अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो इनको नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही तो पिरामिड और क्या दर्शाया जा रहा है, फूड चेन में हमने पिछली वीडियो में और क्या देखा था बताइए, यही सब पढ़ा था ना। चलिए अब इसके बाद तृतीय उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी, तो इसमें शेर आ गया, बाज आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे तृतीय उपभोक्ता, ये इनको खाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया तृतीय उपभोक्ता। तो जो सबसे अधिक है संख्या में, वो हमने सबसे ये चौड़े भाग में लिया, फिर उससे कम है तो वो इससे चौड़ा, तो ये बनता भी तो इस शेप में है, देखिए अब ये ऐसे बनना है, तो यहाँ सबसे चौड़ा, इससे कम, उससे कम, उससे कम, तो ठीक है ना। तो इस तरह की मतलब इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है, घास स्थलीय और संख्या के आधार पर। तो ये बनता है हमारा सीधा, ठीक है ना, तो ये बनता है सीधा, क्योंकि हम यहाँ शेर और बाज को नहीं रख सकते हैं, शेर और बाज यहाँ पर रख दिए हमने सबसे अधिक में, तो फिर ये क्या मतलब, इनको तो सबको पहले ही मार के खा जाएंगे ये, तो ना तो पेड़ पौधे ही हो पाएंगे, है ना, तो पेड़ पौधे तो हो जाएंगे लेकिन इनको मार के खा जाएंगे, अब ये इनको नहीं खा पाएंगे, तो ये उनको नहीं खा पाएंगे, तो इस तरीके से इको सिस्टम हो जाता है विफल, ठीक है। तो ये होता है हमारा घास स्थलीय इको सिस्टम, और पिरामिड ऐसे बनता है। तो इसमें संख्या में देखो कमी हो रही है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो पहला हो गया हमारा सीधे में, हमने देख लिया घास स्थलीय, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं उल्टा, तो उल्टे में बनता है एक पेड़ का पिरामिड, केवल एक पेड़ का पिरामिड, एक पेड़ की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, सब देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमने देखा, अब उल्टा है तो उल्टा ही तो पिरामिड बनाएंगे, अब चौड़ा हिस्सा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, उल्टे का मतलब क्या होता है, अब यहां पर देखेंगे हम संख्या में। तो संख्या में यहां देखेंगे, यहां अकेला एक पेड़ है, तो एक पेड़ है तो ये हमारा उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक होता है कि नहीं पेड़, तो ये हमारा उत्पादक हो गया। फिर यहां पर हमने बनाया, इसके ऊपर बैठे हैं डाली डाली पे पक्षी, अनार नहीं, ठीक है। तो यहां पर आजकल बहुत चल रहा है ना, देखिए तो यहां पर इस पर बैठे हैं पक्षी, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, तो इनसे इनकी संख्या अधिक है, तो पेड़ तो हमारा एक है और पक्षियों की संख्या अधिक है, तो ये क्या हुए, प्राथमिक उपभोक्ता, जो पेड़ से पत्तियों को भी खाते हैं, फलों को भी खाते हैं, फूल को खाते हैं, तो ये सब पक्षी इस पेड़ से अपना उपभोग कर रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पेड़ पे ये पक्षी बैठे थे, तो इनकी संख्या अधिक है। अब इनके ऊपर बैठे हैं द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब क्या क्या ये मतलब पक्षियों के ऊपर जो वो पाए जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे परजीवी, हाँ परजीवी, पैरासाइट, छोटे छोटे पक्षियों पर होते हैं, जैसे जू वगैरह पिस्सू वगैरह, तो ये पक्षियों के ऊपर है। तो एक पक्षी पर अगर चार या पांच भी हुए तो पक्षियों से अधिक संख्या इनकी होगी या नहीं होगी, ये बताइए, होगी, कीड़े मकोड़े जो होंगे, होगी, डेफिनेटली होगी। तो दोस्तों जो पेड़ का जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है, सॉरी पिरामिड बनता है, वह बनता है उल्टा, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में ये भी आ गया होगा, आया नहीं आया तो इनमें देखिए संख्या में वृद्धि हो रही है ऊपर की साइड, तो हमने ये उल्टा रिप्रेजेंट किया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए संख्या के आधार पर हमने सीधा भी देख लिया, उल्टा भी देख लिया। अगर एक बार में आपकी वीडियो अगर समझ में नहीं आए, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो एक बार में नहीं आ रहा, तो दोबारा देख लीजिए, बताइए, सीखना है ना आपको, इस तरीके से सीखिए। अभी आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए तो दोस्तों फिर आगे के लिए आपके लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ जो भी मैंने पर्यावरण और सतत विकास पढ़ाया है इससे पहले, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने दी हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उनको अवश्य देखें, आपको कुछ यूनिक ही मिलेगा। मैंने जो मैं अपने द्वारा जो कंटेंट दे रहा हूँ वह यूनिक ही बना के दे रहा हूँ और फुल डिटेल में दे रहा हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं इसी से संबंधित, जो हम इकोलॉजी और इको सिस्टम से, ठीक है, उसमें यही सब फूड चेन, पिरामिड्स वगैरह, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं अपनी स्ट्रेटजी अपनी अलग रखता हूँ दोस्तों, और मैं
प्रैक्टिस सेट में इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि हमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करने से एक फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। मिक्सर करते हैं तो उसमें पता नहीं चल पाता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आप टॉपिक वाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए, जुड़े रहिए बी सक्सेस प्लस के साथ। प्लीज़ दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा था, हमने देखा था जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो दोस्तों अब देखेंगे हम भार के आधार पर। ठीक है, भार के आधार पर पिरामिड बनाएंगे। तो इसमें भी सीधा बनता है, इसमें उल्टा भी बनता है। तो जो सीधा बनता है दोस्तों, मैंने यहीं पर दिखा दिया है, तो वन का घास स्थल का, जैसे हमने पीछे देखा था संख्या के आधार पे, वही बन जाएगा इसमें भार के आधार पे। ठीक है, और उल्टा बनता है समुद्र का, तालाब का, जो पानी में जो बनता है पिरामिड भार के आधार पे, वो हमेशा उल्टा बनता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, पूछा जाता है कि जी भार का पिरामिड कौन सा उल्टा बनता है, किसका उल्टा बनता है, तो बताया जाएगा जो पानी में होगा ना, समुद्र तालाब कुछ भी आए ऑप्शन में, तो वही होगा हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। इस पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है। तो ये सब मैंने अभी आपको बता दिया है, तो यहाँ भार के संबंध के बारे में बोध होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सीधा, तो सीधा हम वन का पिरामिड देख लेंगे, घास स्थल का देख लो, वन का देख लो, फसल स्थल का देख लो। ठीक है, तो ये सब हमारे बनेंगे सीधे। तो भार के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो देखिए तो वन में क्या होता है दोस्तों, पौधे होते हैं, झाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो उनका वेट, अरे अब एक बात बताइए, जंगल आपने देखा है, जंगल में ज्यादातर आपको क्या दिखता है, पेड़ पौधे, झाड़ी झप्पड़, है ना, ये दिखता है ना। तो इनका वेट मान लिया हमने, सपोज हमने ये, हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, यहाँ पर ये वैल्यू ली गई है 1000 kg पेड़ पौधों झाड़ियों का मान लिया, जो कि हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब इनको खाने वाले हिरन खरगोश, ये प्राथमिक उपभोक्ता होंगे हमारे, तो इनका वेट मान लिया हमने 100 kg, क्योंकि इनकी मात्रा कम होगी जंगल में, कम होगी ना। द्वितीयक उपभोक्ता मान लिया भेड़िया, तो ये भी हमारे कम होंगे, तो इनका हो गया 10 kg। ठीक है, अब तृतीय का मान लिया शेर, तो शेर का होगा 1 kg, 1 kg। अब आप कहेंगे शेर का वजन 1 kg होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भार के अकॉर्डिंग आपको समझाया जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से हम 1000 kg हम पेड़ पौधों की जो वेट मानेंगे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम हिरन खरगोश का वेट 100 kg मानेंगे, क्योंकि इनकी संख्या इनसे कम होती है। अभी हमने जो ऊपर देखा था, अभी संख्या के आधार पे घास स्थल का जो पारिस्थितिक तंत्र, उसमें भी इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो ये नष्ट हो जाएंगे और इकोसिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम आगे, अब उल्टा भी तो देखना है, तो उल्टा देखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तालाब का पिरामिड, अब देखते हैं हम तालाब का पिरामिड। तो दोस्तों तालाब का ले लो, समुद्र का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तालाब, समुद्र, पानी में जो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनको क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार आया है कि जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादकों को क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, जो हमारे शैवाल होते हैं, छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, कीड़े मकोड़े। तो यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं भार के अकॉर्डिंग, तो समुद्र में जो है इनका जो जीव तो बहुत छोटे छोटे होते हैं पानी में, और ये सबसे नीचे स्तर पे पाए जाते हैं, तो इनका वेट होता है कम, इनका होता है कम। ठीक है, और इसके बाद इन्हें खाती हैं छोटी छोटी मछलियाँ, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता होंगी हमारी। तो छोटी मछलियाँ जो खाती हैं, इनसे होता है इनका अधिक। ठीक है, इनसे अधिक होगा क्योंकि इनको ये खा रही हैं, तो इनसे अधिक होगा कि नहीं होगा। अब एक मछली भी 2 या 4 या 8 10 को खाएगी तो वजन बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं द्वितीय उपभोक्ता, बड़ी मछलियाँ खाते हैं, जो मतलब बड़ी मछली है छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो इनसे अधिक होता है इनका वेट। ठीक है, तो इस तरीके से भार में होती है वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो जो तालाब का पिरामिड, समुद्र का पिरामिड जो बनता है वह बनता है उल्टा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए हम उल्टा सीधा ऐसे नहीं देखते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं, अरे हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ये बात। अरे मैं बता दूं आपको, देखिए
एक मिनट, हम जो उल्टा सीधा देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यही तुम्हारा सीक्वेंस होता है फूड चेन में जो बढ़ाता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, तो इनके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, भार भार में लगाएं चाहे संख्या में लगाएं। अभी आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि अरे ये समुद्र है, अब यहाँ पर जो पाए जाते हैं ये सबसे कम है, बीच में पाई जा रही है छोटी मछलियाँ इनसे अधिक वजन है, ऊपर पाई जा रही हैं बड़ी मछलियाँ तो इनसे अधिक है, और भेल पाई जा रही है यहाँ पे तो इनका इससे अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनके अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं पिरामिड में, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा था फूड चेन को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें पिरामिड में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ समझाता हूँ, शायद आपकी समझ में आता है, बेशक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे अंदर से ये फील होता है कि जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो आपकी समझ में अवश्य आता है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपकी बस इतनी मेहरबानी हो जाए मेरे ऊपर कि आप बस एक कमेंट कर दिया करें कि हाँ हमारी समझ में आ रहा है, तो थोड़ा मुझे भी अंदर से खुशी महसूस हो और मैं मेरा जो सोचना है वो भी सच हो जाए, ठीक है। तो और भी मेहनत करूँ मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट और इसी तरीके से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो बस जुड़े रहिए, चलिए देखते हैं। अब तीसरा नंबर का पिरामिड जो बनता है वो बनता है संचित ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, अब इसमें क्या होता है, जो पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा का बोध कराए, मतलब अब वही है, अब इसमें क्या है, ऊर्जा का पिरामिड है तो इसमें ऊर्जा से संबंधित होगा, है ना। ऊर्जा से संबंधित कैसे, कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को जीव जंतुओं ने खाया तो यहाँ से जो एनर्जी थी इसमें इनमें आई, अब यहाँ से फिर द्वितीय उपभोक्ताओं ने खाया तो इनसे एनर्जी यहाँ पर आई, ऐसे ही एनर्जी का क्या हुआ, फ्लो होता गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हाँ एक बात मैं आपको यहीं पर बता दूं कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, बस आप इसको याद रखना, ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो होती है उसका जो प्रभाव होता है वो एक दिशा में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ऊर्जा का पिरामिड हमने देखा कि ये हमारा सूर्य है, अब ऊर्जा की स्टार्टिंग तो यहीं से होगी ना, अब बताइए यहाँ से क्यों ले रहे हैं, यहाँ से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कि जो सौर विकिरण आ रही है, सौर विकिरण को ये विकिरण रूप में लेते हैं और उसी ऊर्जा को कन्वर्ट करके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम स्टार्टिंग तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से सूर्य विकिरण जब आई, प्राथमिक उत्पादक थे हमारे पेड़ पौधे, अब यहाँ आपको सब पता है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि यहाँ पेड़ पौधे द्वितीय प्राथमिक में उपभोक्ता में ये जीव जंतु आएंगे, ये आएंगे, ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपको ये अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो प्राथमिक जो उत्पादक थे हमारे पेड़ पौधे, उन्होंने इस विकिरण ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को लिया और अपने भोजन का निर्माण किया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पर अगर ऊर्जा इन्होंने 100% रखी अपने पास, तो प्राथमिक उपभोक्ता जब इसका उपभोग करेंगे, यहाँ से पोषण लेंगे, तो उनमें ऊर्जा 10% ही जाती है, 90% जो एनर्जी होती है उसको ये क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है या अपनी जो क्रिया करते हैं उसके द्वारा इतनी नष्ट हो जाती है, केवल 10% ही मतलब एक दूसरे में प्रवाहित होती है। जैसे प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में गई तो कितनी जाएगी, 10%, और द्वितीय उपभोक्ता जब इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएगा, भेड़िए ने खरगोश को खाया, तो भेड़िए में जो एनर्जी जाएगी वह कितनी जाएगी, 1%, ठीक है, और उसी के अलावा तृतीय उपभोक्ता खाएंगे तो 0.1%, ठीक है दोस्तों। तो बस यहाँ से आप एक यही क्वेश्चन याद रखना कि ऊर्जा जो पिरामिड बनता है और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, और पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, दूसरा पॉइंट ये हुआ, और तीसरा पॉइंट कि ऊर्जा हमेशा घटती जाती है और ऊर्जा का जो ह्रास होता है वह कितना होता है, 90% का ह्रास होता है और 10% ही प्रवाहित होती है, क्योंकि ऊष्मागतिकी के नियम का ये पालन करती है। कैसे, कि ऊष्मागतिकी का हमारा नियम, पहला नियम क्या कहता है, कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उसका सृजन किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। वही रूप में परिवर्तित हो रही है जो ऊर्जा, वो तो अपने मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में, वो तो जो अपने
क्रिया में भाग लेने में समाप्त करते हैं, ठीक है, समाप्त नहीं होती है, लेकिन वह अपने भाग जो अपनी क्रिया है उस क्रिया में प्रयोग में लेते हैं, केवल 10% का ही जो है ना प्रवाह करते हैं। और उसके बाद और दूसरा नियम क्या कहता है ऊष्मागतिकी की का, कि ऊर्जा ऊर्जा जो होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने में हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है, हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है, कमी होती है, वही कमी है। ये दूसरा नियम भी फॉलो कर रहा है, पहला नियम भी फॉलो कर रहा है, तो ऊष्मागतिकी के नियम पर ये आधारित है। तो बस इतना याद रखना कि 90% जो हमारी होती है समाप्त हो जाती है, 10% का ही प्रवाह आगे को देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने पिरामिड्स के बारे में पढ़ा, सभी पिरामिड्स हमने जो है अच्छे तरीके से देखे, इससे पहले हमने फूड चेन फूड वेब के बारे में पढ़ा। तो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के इस मतलब टॉपिक में दूसरा टॉपिक चल रहा है हमारा, पहले टॉपिक तो हमने वही किया था पर्यावरण एवं सतत विकास, तो दूसरे टॉपिक में अब कुछ नहीं बचा है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको कराने वाला हूं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को मतलब देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको घर बैठे आपको फ्री में इतना सारा अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप सब्सक्राइब तो करें, ठीक है, वो आपको करना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी उसमें फ़ायदा है, हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं दोस्तों। अब आप हमसे जुड़ेंगे तब हमें भी खुशी होगी, ठीक है। और PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल की लिंक दी है मैंने, आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।